हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं हरिद्वार में। हरिद्वार पहले भी कई बार मैं आया हूं, कई बार घूमा हूं, लेकिन इस बार मैं हरिद्वार की वीडियो में आपको कई नई प्लेसेस पर ले जाऊंगा और घुमाऊंगा और देखेंगे हरिद्वार एक नए चश्मे से। तो कैसे आपको आना है, कैसे यहाँ पे घूमना है, हर एक जानकारी तो मैं हमेशा की तरह आपको दूंगा ही, साथ ही साथ आपको कुछ यूज़फुल टिप्स भी दूंगा, कब आपको आना चाहिए, कितने खर्चे में आप घूम सकते हैं, पहले से कितना खर्चा यहाँ पे घूमने का बढ़ गया है या फिर भीड़ भाड़ कैसी बढ़ गई है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए हरिद्वार। तो पहुंच गए हैं हरिद्वार और उतरते हैं। हरिद्वार में मैं तो डायरेक्टली यहाँ के स्टेशन पर उतरा था, लेकिन आप यहाँ बाई बस भी आ सकते हैं। और कहीं दूर लोकेशन पर रहते हैं तो नियर बाई देहरादून एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, जहाँ से हरिद्वार की दूरी केवल 45 किलोमीटर ही रह जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं और ये रहा शिव मूर्ति चौक, शोरगुल से भरा हुआ, और बसते हैं बाइक रेंटल के लिए। हरिद्वार में घूमने के लिए आप हायर कर सकते हो स्कूटी, और स्कूटी मैंने हायर कर ली है, जहाँ से हमेशा करता हूँ वहीं से किया है, बर्गमैन किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगेज वगैरह रखना होता है, इसलिए मेरे लिए बेटर होता है ये। ये आपको जनरली 1000 से 1200 में मिल जाती है, डिपेंड करता है कब आप ले रहे हो, सीज़न पे भी डिपेंड करता है। अभी ऑफ सीज़न है तो सस्ते में भी मिल जाता है, 1000 तक में भी या कम में भी मिल जाएगा। और बाकी आपको डीएल वगैरह देना पड़ता है, हेलमेट एक लोग लगाओ और घूमो। आपको चाहे केदारनाथ जी तक भी जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूँगा जहाँ से आपको लेना है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में घूमने के लिए बहुत सी जगह है, पर शुरुआत तो हर की पौड़ी से ही होती है। लेकिन हरिद्वार में अब काफी भीड़भाड़ होती है, इसलिए स्कूटी साइड लगा के अब पैदल ही यहाँ के मार्केट में मैं निकल गया, जहाँ कुछ चटपटी सी खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। तो भैया क्या खिला रहे हो आप? क्या पकोड़े? पकोड़े किस चीज के हैं? पालक है, गोभी है, आलू टिक्की है, बेस कमल ककड़ी है, बैंगन है, मिर्ची है, आलू है, ब्रेड है, प्याज है, पनीर है, मिर्ची है। इतने सारे यहाँ पे पकोड़े हैं, पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि खाएं कौन सा, पर कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। तो वही हम करवा रहे हैं यहाँ पे मिक्स पकोड़े। वैसे सबसे फेमस आपके यहाँ कौन सा पकोड़ा है? कमल ककड़ी और कटहल। अच्छा, तो कमल ककड़ी तो है फिलहाल, लेकिन कटहल का सीज़न नहीं है, तो कटहल का तो अभी नहीं मिल पाएगा, बट आप जब आना तो ट्राई करना यहाँ पर, हरिद्वार की मेन मार्केट में ही दिख जाएगी आपको। किस नाम से जानते हैं वैसे यहाँ पे लोग? विष्णु घाट। आपकी दुकान को किस नाम से जानते हैं? इसका नाम नहीं है, सुशील कुमार नाम। सुशील कुमार, कोई नाम नहीं है, बताओ बिना नाम के इतना चल रहा है यहाँ पे, कितनी बड़ी बात है। ये हरा पत्ता, ये आ गए पकौड़े। यहाँ से हर की पौड़ी तो 1-1.5 किलोमीटर दूर ही था, लेकिन रास्ते की भीड़ भाड़ भरी मार्केट भी देखने लायक है, जो एहसास कराती है कि आप किसी पौराणिक स्थान पर हो। और इसी बीच में आया पशुपतिनाथ मंदिर, जो बिल्कुल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा ही बना हुआ है। ये पंडित जी, ये पशुपतिनाथ जी के उस पे ही बना है? ये मंदिर, ये पूरे भारत में यही है, और एक मंदिर वही नेपाल में है पशुपतिनाथ जी का। अच्छा, ये सिद्धपीठ है, बहुत प्राचीन है, शंकराचार्य आश्रम में शंकराचार्य जी ने इसके स्थापना कर रखी है ना, बहुत पुराने है, 5,000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग है, जिसके ऊपर 1.25 लाख रुद्राक्ष की छत्र छाया भी है। हालांकि मैं जल्द ही हर की पौड़ी पर पहुंचा, जहाँ के सायंकाल होने वाली गंगा आरती आपको एक अलग ही ऊर्जा और मानसिक
तृप्ति देती है। ये जो घाट है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी हम हरिद्वार की इमेज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ये घाट ही सामने आता है। और ये है यहाँ का मेन घाट, हर की पौड़ी है। और ये जो स्थान है इसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। ब्रह्म कुंड में यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। और यहाँ पर आपको मतलब भीड़ भाड़ और यहाँ पे मतलब क्राउड हमेशा दिखेगा। अभी कम है, गंगा जी की आरती हो चुकी है, लेकिन जब गंगा जी की आरती होती है तो यहाँ पे इस घाट पे तो होती ही भीड़। जो अपोजिट साइड में घाट है वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। हरी हर परवाह मत कर, ये हरी हो गया विष्णु और हर हो गया महादेव। कहाँ से आ रहे हो अंकल आप? जोधपुर, राजस्थान। कितनी बार आए हो यहाँ पे? ये कोई गिनती नहीं है, इस बार तो 15 दिन में दूसरी बार आ गए। अच्छा। हाँ, हम मजी इस बार हमारा प्रोजेक्ट, हम सब पूरी टीम 12 महीने लगातार आके स्नान करेंगे गंगा मैया में। और राखी पर गंगा मैया ने हमको अभी हमने हमारे में से एक जने ने जब जाप किया था तो उनको गंगा नदी में से शिवलिंग प्रकट होके मिला। अभी आज अभी 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 तभी तो लेके घूम रहे, ये वही पावन शिवलिंग है। तो ये माहौल होता है यहाँ पर हर की पौड़ी पर। पूरा परिवार आया है राजस्थान से और अपने ही मतलब मस्ती में है। एक फीलिंग है, एक वाइब है यहाँ पर, जो आप आओगे और अपने परिवार को जरूर लाना, जो मन मुटाव भी होंगे ना वो सब सही हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। हरिद्वार में अगर आप किसी मन्नत के साथ आए हैं तो यहाँ की मनसा देवी मंदिर में जाना ना भूलें, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ सबकी मन्नत पूरी होती है। मनसा देवी तक जाने के लिए आप जा सकते हैं रोपवे के माध्यम से, और रोपवे का जो टिकट मिलता है मनसा देवी टेंपल के पास में आप आएंगे लोकेशन फाइंड करके, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस पॉइंट पर। यहाँ पर आपको रोपवे का टिकट मिलता है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि हरिद्वार में दो मंदिर हैं, मनसा देवी और चंडी देवी, दोनों मंदिर हैं, तो यहाँ पर आपको कंबाइंड टिकट दोनों जगह का मिल जाता है और दोनों जगह रोपवे चुकी लगी हुई है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ टिकट कितने का है। अगर आप यहाँ पे मनसा देवी का आने जाने का टिकट लेते हैं तो आपको 129 का टिकट मिलेगा। अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का टिकट लेते हैं कंबाइंड टिकट, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड होगा, मनसा देवी से उतरने का होता है तो वो भी होगा, तो उसका 444 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पर आपको वो टिकट काउंटर मिल जाएगा। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, हम मॉर्निंग में 6:30 बजे ये टिकट काउंटर ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। तो अगर रोपवे का मज़ा लेना है तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो जा रहे हैं हम, रोपवे में बहुत शोरगुल है यहाँ पर। ये उड़न खटोला टाइप वाला है, रोपवे है, पैक बिल्कुल भी नहीं है। टी-शर्ट आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग कमेंट कर डालेंगे कि गंदी टी शर्ट ऐसे वैसे घूम रहे हो, तो भाई असली जो घूमक्कड़ होता है ऐसे होता है। मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने पास कम से कम 2 घंटे का समय जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी यहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है। माता मनसा देवी के दर्शन मैंने कर लिए हैं, शोरगुल बहुत है क्योंकि प्रसाद वगैरह लोग चढ़ा रहे हैं और यहीं पे दर्शन हो रहे हैं, तो दर्शन यहाँ पे ज़रूर करें। और जो भी आपकी इच्छा हो और जो आपकी मान्यता हो, कोई मन्नत आपने मांगी हो, तो वो आप यहाँ पर मांग सकते हैं, माना जाता है कि वो पूरी होती है। और उसी लिए यहाँ पर ये चुनरियाँ इतनी सारी बांधी गई हैं और ये पूरे मंदिर में आपको दिखाई देगा। दर्शन करने में मात्र 5 से 7 मिनट लगे और दर्शन बहुत बढ़िया और आराम से हो गए यहाँ पर। और अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, मतलब अभी तो ऑफ सीज़न है, अगर आप सीज़न में आते हैं तो आप प्रेफर करें कि सुबह आप जल्दी आ जाएं, मतलब आप सुबह 9 बजे 8 बजे 7 बजे अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत भीड़ कम मिलेगी और आराम से आसानी से आपके दर्शन हो जाएंगे।
तो कोशिश करें जितना जल्दी आकर दर्शन कर लें, भीड़ आपको कम मिलेगी। और अगर जितना देर दोपहर में आप आएंगे तो भीड़ ज़्यादा मिलेगी। अभी ऑफ सीज़न रहता है, ऑफ सीज़न जो आपका रहता है ये चलता है जुलाई अगस्त में ही चलता है, सितंबर में भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर उसके बाद अक्टूबर से लेके पूरा ये तो मतलब गर्मी भर तक अच्छा खासा यहाँ पर रहता है रश। तो अगर आप आ रहे हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें और भीड़ भाड़ के लिए बिल्कुल तैयार रहें। कहाँ से आए हो आप? नांदेड़ से। कहाँ? नांदेड़। नांदेड़ महाराष्ट्र। पहली बार आ रहे हो? पहली बार आ रही हूँ। दर्शन हुए? हुए। कैसे रहे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार में आके कैसा अच्छा है? ऋषिकेश भी गए हो? नहीं नहीं गए, अभी जाना है। अभी जाना है केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, नांदेड़ से आए, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आदमी कोई नहीं हमारे पास, अभी हम 16 महीना महिला है, अभी 20 दिन का टूर है हमारा। केवल आप ही लोग? 16 लोग हैं, सारी महिला? सारी महिला है, अभी कोई नहीं हमारे साथ, खाली एक ड्राइवर है। कोई परेशानी यहाँ पर हो रही है? भी नहीं है, भगवान बहुत अच्छे से संभाल रहा है, लेके जा रहा है, बहुत अच्छा। भगवान की जगह आई है, भगवान ही रक्षा करे। वही संभाल लेगा हमको। बोलो मनसा देवी की जय। हरिद्वार पिछले कुछ समय में काफी डेवलप भी हुआ है और हरिद्वार वो स्थान भी है जहां पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वही मनसा देवी के बाद यहां भक्त चंडी देवी के दर्शन के लिए भी जाते हैं और ये मंदिर भी काफी ऊंचाई पर है। लेकिन हरिद्वार में एक जैन मंदिर भी है जिसकी बेहतरीन नक्काशीदार इमारत आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप शांति कुंज की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में हाईवे पर ही ये मंदिर दिखाई देता है। ये है जैन मंदिर और यहाँ की कलात्मक ये जो चित्रकला है आपको आकर्षित ज़रूर करेगी। मतलब अगर आप नक्काशियाँ देखोगे यहाँ पर तो कुछ ऐसी है। इसका रास्ता यहाँ से नहीं है, ये हाईवे पर ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये हाईवे और यहाँ पर ये टेंपल बना हुआ है, बहुत ही प्यारी नक्काशी है। इसका जो रास्ता है वो पीछे की तरफ से इसके ठीक बगल में एक गली गई है वहाँ से। और जैन मंदिर के ही ठीक पास में पड़ता है शांति कुंज, जिसे आप गुरुकुल कह सकते हैं, जहाँ का माहौल आपको सनातनी धर्म का पूरा पालन करवाता है और वो भी बिना एक भी पैसे लिए। शांति कुंज में आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं और स्टे करने के लिए बिल्कुल फ्री सुविधा है। उसके बाद सिस्टम कुछ यूँ होता है कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप भाई एक दिन के लिए आएँ, बैग उठा के और यहाँ पर बोले कि भाई दे दो रूम, तो ऐसा नहीं होता है कुछ। यहाँ पर आपको आना होगा, 3 दिवसीय कभी प्रोग्राम होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर रुकना होगा। पर यहाँ पर रुकने का एक अपना आनंद है और यहाँ की अपनी एक पहचान है, और आप जब यहाँ से जाओगे तो शायद कुछ बदले बदले से नज़र आओगे। तो एक बार आओ ज़रूर यहाँ पे। और बाकी स्टे वगैरह बिल्कुल फ्री है, केवल आपको एक आधार कार्ड देना होता है। और अगर यहाँ पे कमरे खाली हैं तो मिलेंगे, अगर कमरे खाली नहीं है तो भी यहाँ पे डॉर्मेट्री या फिर हॉल वगैरह रहता है तो उसमें भी स्टे करा देते हैं। तो अपनी तरफ से ये मैक्सिमम जो हो सकता है वो करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर फ्री खाने की भी सुविधा है और यहाँ पर आप देख रहे होगे इस पूरे हॉल में कितने सारे लोग खा रहे हैं और रोज़ ही खाते हैं। आप चाहे टूरिस्ट हैं, आप चाहे यहाँ पर रुक रहे हैं, सब तरह के लोग खा सकते हैं। और यहाँ जो खाने के लिए मिला है ये है, राइस है, रोटी है, सब्जी है और दलिया मिली हुई है। तो बहुत ही सात्विक और बढ़िया सा भोजन है और खाने में मज़ा आ रहा है, टेस्ट अच्छा है। गायत्री मंत्र चल रहा है तो बिल्कुल जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है भोजन होना चाहिए, वैसे होता है यहाँ पे। शांति कुंज में रुकने के लिए आपको पीले वस्त्र में और यहाँ के नियम के अनुसार ही रहना होता है। और अगर आप यहाँ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो शांति कुंज की वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार में रिसेंटली अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया था पीछे, और यहाँ अगर आप मेरे बैक साइड में देखेंगे तो ओम नाम का आकार का ब्रिज दिख रहा होगा। उस टाइम इसका निर्माण किया गया था और तब से व्यू पॉइंट बन गया है टूरिस्ट का। और थोड़ा सा अगर इस तरफ आप आते हैं तो ये आपको दिखाई देगा जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लो है। तो इवनिंग में आप टाइम निकाल के यहाँ पर भी आ सकते हैं। इवनिंग में पूरा हरिद्वार ही एक अलग ही रंग रूप में होता है और बहुत प्यारा लगता है। हरिद्वार की वीडियो आपने देख ली है तो अब जानते हैं यहाँ पर घूमने का खर्चा क्या लगता है।
हरिद्वार घूमने के लिए आपको चाहिए होगा कम से कम दो दिन। दो दिन में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग एक दिन में भी घूम सकते हैं, मतलब एक ऑटो किया और यहाँ की जो मेन प्लेसेस है वो कवर कर ली। लेकिन रिलैक्स होके और थोड़ा समय बिता के गंगा नदी के किनारे बैठ के अगर आपको समय देना है तो इसके लिए दो दिन अपने पास रखें। तो पहले दिन आप यहाँ पर जाएंगे तो मैं आइटनरी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले दिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर जा सकते हैं जो भी मेन टेम्पल्स हैं, जैसे कि मनसा देवी टेम्पल हो गया, आप जा सकते हैं चंडी देवी टेम्पल जा सकते हैं, शांति कुंज जा सकते हैं, और इवनिंग में तो एक ही स्थान है वो है हर की पैड़ी। वहाँ पर आप जाएँ, बैठें, आरती देखें, ये पूरा आपका आइटनरी हो सकता है पहले दिन का। दूसरे दिन अगर ऑफ बीट कुछ ढूंढ रहे हैं तो चिल्ला रेंज के लिए जा सकते हैं, जो कि आता है वैसे फॉरेस्ट के अंडर में आता है, और वहाँ पे खास बात ये है कि सफारी वगैरह भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब अलग टाइप का अगर हरिद्वार देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। सो ये आपकी आइटनरी हो सकती है। इसके अलावा पतंजलि योग पीठ वगैरह है वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी आइटनरी में। खर्चा जान लेते हैं तो यहाँ पर आप अगर होटल लेते हैं तो होटल तो आपको मतलब 1000 से 1500 में मिल जाता है। सीज़न में आते हैं तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन 1000-1500 हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि धर्मशाला में रुकना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 400-500 रुपए तक के भी पर डे के पर नाइट रुकने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा, आप किस में सिलेक्ट करते हैं, किस में आप प्रेफर करते हैं। खर्चे की बात करें खाने की, तो यहाँ पर अगर आप मील्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे 50 रुपए की थाली भी मिल जाती है, 100 की भी मिलती है, 200 की भी मिलती है। इसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खर्च करना चाहते हैं। तो मैं मिनिमम बजट ही आपको बताऊँगा। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑटो आप कर लो, 500 से 700 रुपए लेगा आपको शांति कुंज, चंडी देवी, मनसा देवी, हर की पैड़ी पूरा घुमा के प्रॉपर आपको ड्रॉप कर देगा। अब टोटल खर्चा पर पर्सन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि होटल आपको मैंने बता ही दिया, आपको मिनिमम मतलब 1000 रुपये आपको रखना पड़ेगा, तो एक मिनिमम बजट भी लेके चलेंगे होटल के साथ। तो 1000 रुपये होटल का, मील्स का, दो दिन का आपका मतलब 1000 इसलिए बोला है क्योंकि दो लोग रहेंगे और दो दिन आप रहेंगे तो 1000 रुपये एक बंदे पर आएगा। मील्स का आपका 1000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन का 500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो टोटल करेंगे तो 2500 का खर्चा है, मतलब 2500 से 3000 रुपये में आप घूम सकते हैं, इससे कम में भी घूम सकते हैं। और अगर फ्री में घूमना है तो शांति कुंज में आप चले जाओ, वहाँ पे स्टे करो और वहाँ का भी आनंद लो। केवल ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जाओगे तभी होगा, यहाँ पे और भी सस्ते सस्ते आश्रम है रहने के, फ्री में कई जगहों पे कई सारी सुविधाएं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फ्री में खाना भी मिल सकता है, यहाँ पे रहना भी मिल सकता है और घूमना भी आपका आराम से हो सकता है। सो ये थी यहाँ की जानकारी। अगर आपको इसके अलावा किसी भी प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। टी शर्ट ऐसी लेनी चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।